सर, राजपुरा सुंदामाता सड़क मार्ग पर जो आश्रम स्थित है उसके जो मंथ थे उन्होंने आत्महत्या कर ली। उसके बाद ये कहा गया कि लोगों ने ये कहा कि इसमें पूरा राम कहा थे, उनके ड्राइवर भी मौजूद थे, एक अन्य भी उपस्थित था, पूरा क्या मामला है सर? उसमें कोई मामला नहीं था। उसके ऊपर आरोप तो मैंने पहले कह दिया कि आरोप तो किसी के ऊपर भी लग सकते है, आरोप ये पांडवों के ऊपर भी लगे, कृष्ण भगवान में भी लगे थे, सीता जी में भी लगे थे, तो आरोप कोई सिद्ध नहीं हुए। आरोप के नाम अभी वो साधु पटाली का था या नहीं वो तो कोई मैं जानता नहीं, और किसने नाम लिखा वो भी मुझे पता नहीं। उसकी जब जांच होगी तो अपने आप पता लग जाएगा। साधु जी वहाँ थे, तो जिस दिन चार तारीख के दिन मैं सुबह 11 बजे वहाँ गया था, एक 11 या 12 बजे गया हुआ सौरभ, तो उसके बाद मेरी गाड़ी थी उस साइड में खड़ी थी, तो मेरी जो जगह वहाँ भी नहीं थी, दोनों तरफ मेरी जगह, दूसरी मेरी सामने वाली जगह राइट हैंड लेफ्ट साइड में वहाँ मेरी गाड़ी खड़ी थी। मैं वहां जाके सीताल में बैठा, बाबूसी को बुलाया, बाबूसी ने कहा मुझे रास्ता दो, तो बोला बाबूसी कितना था ये रास्ता, 2 फुट 4 फुट 5 फुट, तो बोला नहीं मेरे टैंकर जाएगा मेरा रास्ता, तो बोला टैंकर कितने में जाएंगे, बोला 5-7 फुट, मतलब 10-12 फुट, ये 12 फुट आप ले लेना, सुबह आके ये साफ सफाई कर दे। और मौके पर रास्ता अभी भी राजपुरा के गांव की तरफ में छोटा माता से जो राजपुरा जाते हैं तो उनका बोर्ड लगा हुआ है बाबूसी का, वो बोर्ड के उधर रास्ता ऑलरेडी छोड़ा हुआ है, और 12 फुट में अगर नेम में भी नहीं आता फिर भी मैं दे रहा हूँ, नेम में आता नहीं है कि नेम में कानूनी तौर पर जगह मेरी है, मैंने खरीदी हुई जगह है, फिर भी मैं एक इंसान के नाते साधु के नाते ये साधु रिक्वेस्ट कर रहा था, साधु को कोई उसने रिक्वेस्ट भी नहीं की, साधु जी ने कहा था मुझे दे देना बस, तो साधु जी को मैंने हाथ जोड़ कर कहा बापसी आप कहेंगे उतना मैं रास्ता दे दूंगा, बस इतनी बात, उसके बाद बात हुई नहीं। मैं सीधे सलाह आया भिन्नमाल, मेरा कुछ काम था, उसके बाद तो कोई बात हुई नहीं। उसके बाद दूसरे दिन पता 9-10 बजे पता लगता है कि काफी वो साधु ने किसी ने आत्महत्या कर दी या क्या हुआ, तो क्या हुआ भगवान जाने, उसके बारे में वो ही जान सकते हैं या वो साधु जान सकते हैं। कुछ लोग बताते हैं कि उसके अंदर आश्रम के अंदर कुछ लोग थे, तो कौन थे, तो पूरी छानबीन करेंगे तो पता लगे। हम तो मैं नहीं था ना, कोई मेरा वो ड्राइवर था वहाँ, हम तो आगे थे वहां से, तो सर था ही नहीं वहां तो क्या मतलब। सर, कांग्रेस के नेताओं का ये कहना है कि बीजेपी हमेशा हिंदूवादी पार्टी रही है, पार्टी है जो भी करती है ढोंग करती है, पर जब ये मामला आया तो बीजेपी चुप्पी साधे क्यों बैठी है? कोई बीजेपी चुप्पी साधे नहीं बैठी, गंदी कोई बीजेपी गंदी राजनीति नहीं करती। अगर बीजेपी गंदी राजनीति की तो साधु को मैं शायद वो नहीं देता, कानून में तो आता नहीं है, वो कानून में नहीं आ रहा है वो रास्ता। अगर हम हिंदूवादी नहीं होते तो उस साधु का रास्ता मैं देता है क्यों? वो तो मेरी खुद की निजी जमीन है, मेरी निजी जमीन में मैं तू आना तू, अगर मैंने निजी जमीन में 12 फुट का रास्ता उनको दिया था तो फिर किस बात की ये साधु संतों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी, वो कैसे नहीं रही साधु संतों की पार्टी? और हमने तो हमेशा धर्म के नाम से वोट नहीं मांगे थे, धर्म के नाम से, धर्म के नाम से हमने कहीं जाए भी, जहां भी जरूरत हो चाहे गौशाला हो चाहे कोई ऐसा आश्रम हो, वहां भी हमने तो सब शब्द के मैं मेरे निजी जेब से रास्ता देता हूँ। सर, कांग्रेस के कई युवा नेता हैं, उन्होंने काफी आपके ऊपर गंभीर आरोप लगाए। गंभीर आरोप तो मैंने फिर भी कह रहा हूँ कि लगाए तो उनकी जांच होनी चाहिए। आगे उन्होंने जनता जनार्दन से निवेदन है कि ऐसे लोगों से आप लोग दूर रहें, वो ऐसे घटिया और गंदी राजनीति करते हैं, पूरे मेघवाल समाज को उन्होंने बदनाम किया है, इसलिए मेघवाल समाज से मेरा निवेदन है और इस तरह से ऐसे लोगों से दूर रहें ताकि ये मेरे साथ में ये घटना कर सकते हैं तो जनता के साथ में ये क्या करेंगे आगे जाके, क्या मेरे को टिकट न दिला के ये जीत पाएंगे, क्या करेंगे कोई पता है कि नहीं उनको? कांग्रेस की कमेटी दल तैयार किया गया और पूरी जांच करेगी। अब 2 मंत्री भी आए थे, एक प्रभारी मंत्री था और कई कांग्रेस के यहाँ पे जो प्रतिनिधि है या पूर्व प्रतिनिधि वो भी मौके पर उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि जो भी दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, जो भी दोषी है उसके ऊपर मैं भी कह रहा हूँ तो दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई करो, जो भी दोषी है उसको तो मैं भी कह रहा हूँ कार्रवाई करो ना, मैं तो दोषी हूं नहीं, मैं दोषी हुआ कहां से? महाराज का रास्ता छोड़ दिया, महाराज का विवाद भी नहीं था, रास्ता का था, रास्ता इंसान ने के नाते दे दिया, तो वापसी अगर आत्महत्या कर लेते या जैसे भी आगे मैं खड़ा था तब कुछ कर सकते थे, तो उसके बाद में रात को 3 बजे क्यों किया थी करना, और 3 बजे हमारा आदमी को कौन था, कोई तो बासमैन था ना, मैं था ना कोई ड्राइवर था ना कोई और कोई था ही नहीं हमारा, तो
वो तो वैसे ब्लैंक जमीन पड़ी है।